मुंबई के बोरीवली पूर्व के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में बसे आदिवासी लोगों के लिए सामाजिक संस्था अभिलाषा फाउंडेशन ने करीब 150 परिवारों को सैनिटाइजर किट और राशन किट वितरण किया, जिसमें कई महिलाएं और ऑटो रिक्शा ड्राइवर भी शामिल थे जो वहां रखी राशन किट को अपने हाथों से ले रहे थे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। दरअसल जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक अभिलाषा फाउंडेशन के कार्यकर्ता जगह जगह जाकर लोगों तक राहत सामग्री का वितरण करते हैं। पेश है हमारे मुंबई संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। सर, आपकी आज एक्टिविटी कहाँ पे है? आज हम यहाँ पे 150 फैमिलीज को राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। नेशनल पार्क में यहाँ 10 पाड़े हैं, नवापाड़ा, चिंचीपाड़ा और रजनीगंधा पाड़ा, बहुत सारे यहाँ पे 10 पाड़े हैं जहाँ पे कि 1000 पुअर फैमिलीज रहती है। तो आज हम लोग 50 रिक्शा पुलर्स और 100 जो कि ट्राइबल फैमिलीज है उनको हम आज राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। करीब 150 लोगों को हम आज राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसमें राशन में 5 किलो आटा 5 किलो राइस, 2 किलो दाल, 1 लीटर तेल और नमक और शक्कर वगैरह दे रहे हैं। और उसके साथ में हम एक सैनिटरी किट दे रहे हैं, उसके अंदर 5 सोप है, 5 मास्क है और एक सैनिटाइजर है। तो ये सब ये हमारा एक ये सैनिटरी किट है और उसके अंदर 5 साबुन है, 5 मास्क है और सैनिटाइजर है। और इसके साथ में हम सैनिटरी नैपकिन भी दे रहे हैं, 5 सैनिटरी नैपकिन भी है लेडीज के लिए। तो ये हम दे रहे हैं और ये सम्राट रिफाइंड ऑयल दे रहे हैं। इसके साथ में 5 किलो राइस है, 5 किलो आटा है और तुअर दाल और चना दाल 1-1 किलो और 1 किलो साल्ट है। ये आज हम 150 लोगों को यहाँ पर दे रहे हैं। तो सर, आपको क्या लगता है आप कितने बेनिफिशियरी तक रीच कर पाओगे? अभी तक हम 7500 के करीब फैमिली को रीच कर गए हैं और हम और 2500-3000 फैमिलीज को और रीच करने वाले हैं। और हमारा टारगेट जितना जब तक लॉकडाउन है और जो डेली वेज वर्कर्स और जो मेड सर्वेंट, रिक्शा पुलर्स और टैक्सी ड्राइवर्स जो इनका की धंधा चौपट हो गया, उन सभी को हम राशन पहुंचाने की मदद कर रहे हैं। और सर, आपका क्या कहना है ये बढ़ती कोरोना की बीमारी के बारे में? कोरोना की बीमारी बढ़ती जा रही है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं और ये सभी लोग भयभीत हैं और अपना हाइजीन वगैरह और कोई भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। और टेस्टिंग बहुत ज्यादा होनी चाहिए, टेस्टिंग कम हो रही है और बीमारी बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए, उनको आइसोलेशन में डालना चाहिए, क्वारंटाइन करना चाहिए और जो भी इम्यूनिटी सिस्टम की जो दवाइयां हैं इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करने की, तो उससे इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। थैंक यू सर। आज अभिलाषा फाउंडेशन ने आपकी मदद की और क्या क्या राशन दिया आप भी प्लीज बताएंगे? हाँ, हमारे यहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं इस पार्क में, तो अभिलाषा फाउंडेशन से आज हमको यहाँ पे राशन दिया गया है, सबको बहुत पसंद आया। और चावल है, दाल है, सैनिटाइजर का पूरा किट है, तेल है, आटा है, इसका पूरा किट उनको राशन का दिया गया है। लोग बहुत खुश हैं उससे और अब भी वो लेके।